ब्लैक वाला वहां पास है महाकाल का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दर्शक, हरे कृष्णा दर्शक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दर्शक, सुना ही नहीं देखे ऑन करके रख के चला गया लगते। कौन है? और राजेश, हरे कृष्णा। जानवी माता जी, अच्छा अनम्यूट नहीं कर सकते ना, वो दर्शक को अनम्यूट करो। जी प्रभु, मैं यही बताने वाला था, चैट में मैंने लिखा है, मैं अनम्यूट नहीं कर सकता। हाँ ओके ओके ओके, मैं थोड़ा देर से ध्यान में है, तो मैं गाता हूँ, आप पीछे गा देना। हाँ ठीक है। जय राधा माधव, शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा पहले। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा मा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा मा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। स्वागत है सबका। वीडियो नहीं। हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे दिन के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। पहले 2 दिन में हमने जीव के बारे में, मतलब अपने बारे में समझा है, और जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य या ध्येय क्या होना चाहिए, इसके बारे में पहले दिन समझा था, जो कि हम कौन है ये जानना और हमारे सा हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ये जानना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसे तत्व जिज्ञासा कहते हैं। तो ये पहले दिन का विशेष था। दूसरे दिन कल हमने देखा था कि मैं कौन हूँ। तो हम जो आरिसा में या मिरर में अपने आप को देखते हैं, जो शरीर दिखता है, वो हमारा बाह्य आवरण है, या हमारे ऊपर जो हम जिस तरह कपड़े पहनते हैं उस तरह ये आत्मा के ऊपर यानी हमारे ऊपर का आवरण है। तो हम वास्तविक कौन है? हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का ABCD है या शुरुआत है। सबसे पहले हमको ये इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। ये शरीर, जब जैसे हम बोलते कि ये शरीर मेरा है, तो यानी कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो ये दो, बाकी की चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पहले दिन में ये दो विषय हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन का ध्येय भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और मैं कौन हूँ ये जानना। और दूसरे दिन में हमने जाना कि मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, एक सूक्ष्म आत्मा हूँ जिसके ऊपर ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आवरण है। तो आज हम तीसरे दिन में भगवान कौन है और क्यों विविध भगवान और अवतार और इतने सारे शास्त्र है हमारे समाज में या पूरे इस ब्रह्मांड में, जहाँ भी मनुष्य प्राणी ही बोल सकते हैं, हम मनुष्य प्राणी रहते हैं, उसमें बहुत सारी धारणाएं हैं। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग शास्त्रों को मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी धारणा है। तो इसमें हमको हमारे जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र जिसे हम कहते हैं, हमने पहले दिन देखा था कि ज्ञान अर्जित करने के तरीके देखते थे। उस समय हमने देखा था कि 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, और महाभारत है, रामायण है, ये सारे शास्त्रों के अंदर अंतर्गत है। तो इन शास्त्रों में भगवान के बारे में क्या कहा है, भगवान कौन है, और फिर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है, ऋषि मुनि जैसे नारद मुनि है, व्यास देव है, असित देवल, ऐसे जो ऋषि मुनि है, उन्होंने भगवान के बारे में क्या कहा है, या ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने भी भगवान के बारे में क्या कहा है,
ये सब हम उसकी चर्चा करेंगे कि वास्तविक हमको जानना है आज के दिन में कि भगवान है कौन, किसे हम भगवान माने, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग धारणा लेके चलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि किसी की भी पूजा करो भगवान, वो भगवान की ही पूजा हो जाती है। हमारे हिंदू समाज में 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, तो कोई भी देवता की पूजा करो अपनी श्रद्धा के अनुसार तो वो भगवान की पूजा हो जाती है, ऐसी मान्यता है। और किसी भी तरह पूजा करो तो भगवान तक पहुंच जाती है। तो ये क्या सही है, कितना सही है, कितना गलत है, इसकी सब चर्चा हम आज करेंगे। तो इसमें आज जो हम चर्चा मैंने जो बताया उसमें ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। क्यों इतने सारे शास्त्र है, और कलियुग में अभी जो हम रह रहे ये युग कलियुग है, 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। तो हम कलियुग में है, तो कलियुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्या वास्तव में भगवान है तो कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, कौन से लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि यही भगवान है, भगवान का आकार है या निराकार है, भगवान शाश्वत रूप से कहाँ रहते हैं, हमारा सनातन संबंध किसके साथ है, देवता और भगवान में क्या अंतर है, देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है, परमात्मा कौन है, भगवान के अवतारों को कैसे जान सकते हैं, ये सारे विषय आज हम देखेंगे। वैसे कल हमने थोड़ा सा जल्दबाजी करना पड़ा था, वैसे ये जो सारे विषय हम जो नॉर्मल सत्र होता है 2.5 घंटे का होता है, हम 1 घंटे में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी कल हमने 40 मिनट में ही किया था। तो आज हम थोड़ा इससे इसको दो विभाग में करेंगे, 20-25 मिनट का पहला सत्र, और फिर बीच में थोड़ा अंतर लेके दूसरे सत्र में बाकी के विषय इस तरह से जाएंगे। तो सबसे मन में ये विचार चलते रहते हैं, जो भी धार्मिक है, वैसे भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है सभी धार्मिक ही होते हैं, तो सबके मन में ये शंका या भ्रमणा होती है कि मुझे कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, किस भगवान का पूजन करना चाहिए और कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। वैसे वास्तविक धर्म की हमने कल चर्चा की थी कि जो हमारा मूल स्वभाव होता है किसी भी चीज का, वो उस वस्तु का या उस पदार्थ का मूल वो धर्म होता है। तो हमारा धर्म क्या है, सेवा करना, हम मनुष्य है तो हमारा धर्म सेवा करना होता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि विविध शास्त्र विविध मनुष्यों के लिए है, तो इतने सारे शास्त्र है क्यों। जैसे अभी यहाँ पे दो चित्र दिखाए आपको, एक छोटा बच्चा है जिसको ग्रेजुएशन की टोपी पहना ही है, तो वो छोटा बालक को यहाँ पे बहुत ही छोटा दिखाया है, वैसे वैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड या आई थिंक 5th स्टैंडर्ड तक भी ये कोई आंसर नहीं दे पाता बच्चा कि 2 माइनस 5 कितना होता है। अगर किसी ऐसे बच्चे को, 4th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को हम पूछेंगे कि 2 माइनस 5 कितना होता है, तो क्या बोलता है, क्या बोलेगा, मुझे क्या आप पागल बना रहे हैं क्या, 2 माइनस 5 कभी होता है क्या, ऐसा ही जवाब देगा। हाँ, लेकिन वही थोड़ा बड़ा होता है, आई थिंक हाई स्कूल में जाता है, 9th 10th, अभी एग्जैक्ट कौन से स्टैंडर्ड से ये पढ़ाते याद नहीं, लेकिन हाई स्कूल में ये पढ़ाएंगे कि 2 माइनस 5 -3 होता है, मतलब 2 माइनस 5 का भी आंसर होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि उनकी जो बुद्धि है वो जितनी विकसित होती है उसके अनुसार विविध शास्त्र बनाए गए हैं, मतलब जिनकी बुद्धि थोड़ी कम विकसित है उनके लिए अलग शास्त्र है, जिनकी बुद्धि विकसित है
उनके लिए अलग शास्त्र है। तो इसीलिए जो अलग इतने सारे शास्त्र है, तो कभी कभी कोई पूछते हैं कि इतने सारे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, तो इसका कारण यही है कि जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है उसको समझ में आए इस तरह वो शास्त्र बनाए गए हैं, और जिनकी बुद्धि विकसित है उनके लिए उस तरह के शास्त्र बनाए गए हैं। आगे ये शास्त्र क्या है यहाँ पे दिखाया है, उसका तीन भागों में विभाजित किया है। श्रुति, श्रुति में चार वेद और 108 उपनिषद आते हैं जो हमारे सारे शास्त्र है उसमें से। न्याय है, उसमें वेदांत सूत्र आते हैं। तो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हम जो तत्व जिज्ञासा की बात कर रहे थे, तो ये वेदांत सूत्र के पहले सूत्र में बताया है कि हमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए या तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। तो तत्व जिज्ञासा है यही वही है कि मैं कौन हूँ और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो स्मृति जो शास्त्रों का विभाजन है उसमें इतिहास यानी कि सब पुराण महाभारत ये सब आते हैं, ठीक है। तो आगे वैदिक ज्ञान का वृक्ष शाखा, ये हम इसकी चर्चा हमारा एडवांस कोर्स होगा उसमें कर सकते हैं, अभी जरूरी नहीं है। तो जो 18 पुराण है उसमें से 6 पुराण सत्वगुणी मनुष्यों के लिए होते हैं। हर कोई 3 गुणों के प्रभाव में रहता है, तो जिसके ऊपर सत्वगुण का ज़्यादा प्रभाव रहता है तो उसको सत्वगुणी माना जाता है, जिसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव अधिक रहता है उसको रजोगुणी माना जाता है, और जो तमोगुणी होता है उसकी तमो उसको तमोगुणी माना जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर सत्वगुणी मतलब जो शांत स्वभाव के ज्ञानी होते हैं उनको सत्वगुणी कहा जाता है, रजोगुणी मतलब थोड़े महत्वाकांक्षी और बहुत सारी इच्छा रखने वाले जो होते हैं उनको रजोगुणी कहते हैं, और तमोगुणी मतलब जो आलसी होते हैं पागल जैसे उनको तमोगुणी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के पुराण है, तो वो 3 प्रकार के लोगों के लिए है यहाँ पे वो दिए है। इतना सारा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें श्रीमद् भागवत पुराण जो पहला लिखा है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और कलियुग के लिए हमारा जो एक प्रश्न था कि कलियुग के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो 2 शास्त्र का विशेष उल्लेख है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो जो 108 उपनिषद है उनका सारा सार, वैसे वेदों का सार उपनिषदों में दिया गया है और उपनिषदों का सार भगवद गीता में दिया गया है, इसीलिए अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो सारे शास्त्रों का हमें ज्ञान हो जाता है। और फिर ये भगवद गीता है, ये भगवान की वाणी है, गीता मतलब गीत और भगवत भगवान का गीत, तो भगवान ने बोली हुई भगवद गीता है। और श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान के बारे में बोला गया है, भगवान के कार्यकलाप, भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों के साथ कैसे संबंध है, तो ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। तो इसीलिए हमको ये 2 शास्त्र कलियुग के लिए, क्योंकि हम कलियुगी जीव है तो हमको बहुत सारे उद्यम करने पड़ते हैं जीवित रहने के लिए, तो हमारे पास समय नहीं होता। तो इतने सारे, वैसे तो सब मनुष्यों के लिए सारे शास्त्र पढ़ने चाहिए, लेकिन हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम ये 2 शास्त्रों में भगवान ने कृपा करके सब कुछ सार रूप में दिया है। चल तो आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अंतर क्या है। हमको अभी हम ये निश्चित करते हैं कि हमको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन है। भगवद गीता में 700 श्लोक है, वही श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। भगवद गीता के वक्ता है भगवान श्री कृष्ण, और श्रीमद् भागवतम के वक्ता है सुखदेव गोस्वामी।
भगवत गीता के श्रोता है अर्जुन और भगवत गीता के चित्र के ऊपर अपने देखा था, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन कृष्ण बता रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। तो श्रीमद् भागवतम के श्रोता है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज मतलब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित महाराज, मतलब अर्जुन के पौत्र थे। और ये भगवत गीता बताई गई थी कुरुक्षेत्र में, जो अभी हरियाणा राज्य में आता है। आप वहां पे जाके जहाँ पे भगवत गीता बताई गई थी वो क्षेत्र देख सकते हैं, तो मैंने देखा हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये भागवतम जो है शुकताल का स्थान है, वहां पे बताया गया था। समय है 45 मिनट। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, जब युद्ध होने की शुरुआत होने की तैयारी थी उस समय बताया था। और श्रीमद् भागवतम 7 दिन में बताया गया था, नॉन स्टॉप 7 दिन, पानी पीने के लिए भी नहीं रुके थे। और परीक्षित महाराज सुन रहे थे। परीक्षित महाराज ही नहीं, बहुत सारे 88,000 ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित थे, वो सब सुन रहे थे। तो 7 दिन बिना रुकावट ये कथा चल रही थी। तो ये श्रीमद् भागवतम है। और इस भगवद गीता के मुख्य 5 विषय है, हमने पहले दिन देखे थे, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। और श्रीमद् भागवतम के 10 विषय है। तो अभी हम खाली भगवद गीता ही चर्चा कर रहे, तो इसके 10 विषय हम की चर्चा नहीं करेंगे। तो जब हम एडवांस कोर्स करेंगे उसमें इसकी चर्चा हो सकती है। तो आगे अभी हमारा प्रश्न है, क्या वास्तव में भगवान है, और है तो वो कौन है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मत है। हाँ, कोई कहता है कि शिव जी भगवान है, कोई कहता है गणेश जी, अभी 10 तारीख से आएंगे, जय गणेश देवा शुरू हो जाएगा। साल भर कोई देखेगा नहीं, लेकिन ये 10 दिन देख होता है जय गणेश। तो वो कोई उनको भगवान मानते हैं, कोई पंच क्या कहते हैं उसको, पंच देवता जो है, शिव जी है, दुर्गा है, गणेश जी है, ब्रह्मा जी है, ऐसे 5 लोगों को वो भगवान मानते हैं। तो कोई बहुत सारे दूसरे भी धर्म है जो मानव निर्मित, जैसे मुस्लिम है तो वो अल्लाह को भगवान मानते हैं, और क्रिश्चियन है जो जेहुआ या, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग कम्युनिटीज है, वो अलग अलग भगवान को, जैसे अभी यहाँ पे एक सिंधी व्यक्ति भी हमारे बीच उपस्थित है, वो किसको, झूलेलाल को भगवान मानते हैं, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग भगवान मानते हैं। तो हम इसको, इसका प्रूफ देखेंगे, या पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या भगवान का अस्तित्व है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ कुदरती होता है, भगवान वगैरह ऐसा कोई है नहीं, कुदरत मतलब कुदरत से ही सब कुछ होता है, सब कुछ जो चल रहा है कुदरत के कारण होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या भगवान है। तो हम इसके लिए कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। अगर कोई कला, बहुत सुंदर चित्र का चित्रकारिता या मॉडर्न आर्ट, बहुत सारे जो लाखों करोड़ों में बिकते हैं, ऐसे को लियोनार्डो द विंसी फेमस था ना, वो पेंटिंग बनाने में जिस, और यहाँ पे भी एक पेंटर है हमारे बीच उपस्थित, जय पेंटर है, और यहाँ बैठे हैं भाविन प्रभु, वे लोग भी पेंटिंग करते हैं, तो ये खंबात में प्रसिद्ध है। तो ये जो कला जो भी बनाते हैं, वो कला
कोई कलाकार बनाता है, अपने आप नहीं होती है ना। जैसे मैंने अभी नाम बताया, लियोनार्डो दा विंसी, इंडिया का कौन था, पिकासो है, इंडिया का कौन गजगामिनी पिक्चर बना, रवि वर्मा थे, और कोई था, एम एफ हुसैन ये सब कलाकार थे, और बाकी और भी कला, मतलब ये खाली चित्रकारिता नहीं, बाकी कला जो भी कला होती है वो कोई कलाकार होता है तभी वो कला विकसित होती है या कला हम उसका आस्वादन कर सकते हैं, बिना अपने आप कोई कला नहीं होती। दूसरा कोई व्यवस्था होती है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे बैठ के सुना रहा हूँ, तो इसके लिए फिर लैपटॉप, लैपटॉप रखने के लिए टेबल, फिर उसका कनेक्शन, ये सब करने के लिए कोई व्यवस्थापक होता है। जैसे अभी हमारे लिए यहाँ पे समीप प्रभु ये कार्य कर रहे हैं तो ये सब व्यवस्था, कोई व्यवस्थापक होता है तभी वो व्यवस्था होती है। कोई बड़ा फंक्शन होता है, मंडप वगैरह होता है, या पुजारी वगैरह होते हैं, तो जो भी व्यवस्था करनी होती है वो अपने आप नहीं होती, उसके लिए कोई व्यवस्थापक जरूरी होता है। कोई सर्जन, मतलब कोई बनाना है, जैसे सिविल इंजीनियर होते हैं प्रथम के जैसे, तो वो बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो क्या होता है, कोई इंजीनियर है तभी वो बनाता है ना, अपने आप कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। कोई डिजाइन है तो उसके लिए डिजाइनर होता है, शक्ति है तो शक्तिमान होता है, मतलब शक्ति धारण करने वाला, नियम है तो कोई नियम बनाने वाला होता है, तो कुछ भी अपने आप नहीं होता, सबके लिए कोई ना कोई, जैसे सैटेलाइट है तो उसको शास्त्रज्ञ बनाते हैं, कितने सारे शास्त्रज्ञ अपनी बुद्धि खर्च करके पैसा भी खर्च करते हैं, तो ये और सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम होता है, ये सब आप जानते हैं, और उसको स्पेस में भेजा जाता है। यहाँ पे एक ट्रेन या रेलवे का पिक्चर दिखाया है, तो जो आखिरी बोगी, मतलब यहाँ चार बोगी का ही वो दिखाया है, तो चौथी बोगी है वो तीसरी बोगी से खींची जाती है, तीसरी बोगी दो नंबर बोगी से खींची जाती है, दो नंबर बोगी एक नंबर बोगी से खींची जाती है, और एक नंबर बोगी इंजन द्वारा खींची जाती है। तो ये ट्रेन पूरा चलने का, अभी यहाँ पे चार ही बोगी का दिखाया है, लेकिन 22-26 बोगी की भी ट्रेन जो इतनी लंबी होती है वो, उसको खींचने के लिए इंजन जरूरी होता है ना, तो अपने आप कुछ नहीं होता। ये समझाने के लिए यहाँ पे एक स्टोरी है, सर आइजैक न्यूटन को आई थिंक सब लोग जानते हैं, सब अधिकतर इसमें स्टूडेंट ही है तो सब जानते हैं आइजैक न्यूटन को, है ना, शास्त्रज्ञ थे, तो वो भगवान को मानते थे, वो उन्होंने शास्त्र कुछ पढ़े हुए थे, तो वो जानते थे कि सब कुछ कुदरती नहीं हो रहा है, सब कुछ भगवान कोई कंट्रोलर है, तो उनके एक मित्र थे, तो वो जब चर्चा हो रही थी दोनों की, तो आइजैक न्यूटन उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि सब कुछ किसी के कंट्रोल में होता है, अपने आप नहीं होता, तो वो जो दूसरे उनके शास्त्रज्ञ मित्र थे वो समझने का प्रयास नहीं करते या समझते नहीं, तो दोनों में बहस होती है, तो आइजैक न्यूटन बोलते ठीक है, वहाँ पे चर्चा समाप्त होती है। कुछ दिन बाद जो उनके मित्र थे वो आइजैक न्यूटन के लैबोरेटरी में आते हैं, जब लैबोरेटरी में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है ऐसा एक सुंदर सोलार का मॉडल बना के रखा होता है न्यूटन ने, तो वो इस तरह से बनाया है कि जैसे हमारा सोलार सिस्टम है, सूर्य और उसके आजू बाजू में सब ग्रह घूमते रहते हैं, तो ये सब उन्होंने अच्छे से बना के रखा हुआ था, तो उनके मित्र आते ही उससे देख के इम्प्रेस होते हैं और न्यूटन से पूछते, वाह बहुत सुंदर मॉडल है, ये किसने बनाया?
न्यूटन बोलते हैं कि पता नहीं, मैं सुबह उठ के देखा तो यहाँ पे ऐसे ही बना हुआ था। तो वो मित्र बोलते, कमॉन, ऐसे थोड़ी होता है, कोई इतना सुंदर मॉडल है और ऐसे अपने आप कैसे बन सकता है। तो उस समय न्यूटन बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो कुछ होता है वो अपने आप नहीं होता, ये कि कोई ना कोई बनाता है। जैसे आप ये छोटा सा सोलार मॉडल अपने आप नहीं चलता, तो ये जो ब्रह्मांड में इतना सोलार मॉडल, जो सोलार सिस्टम चल रहा है, वो कैसे हम माने कि अपने आप चलता है। तो ये न्यूटन उसको समझाते हैं। तो आगे भगवान, तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान है। तो भगवान की यहाँ पे परिभाषा दी है कि भगवान मतलब कौन है। तो अभी तक हम ये नहीं, मैंने बताया कि भगवान है या नहीं है। तो अगर भगवान है तो उनकी परिभाषा की भगवान हम माने किसको, कि क्या हो सकते। तो यहाँ पे बोला है, दिखाया है कि सभी के मूल स्रोत, मतलब अभी मैं हूँ, मेरे पिताजी से मैं आया, वो मेरे पिताजी उनके पिताजी से, उनके पिताजी उनके पिताजी से, ऐसे हम ऊपर ऊपर तक जाएंगे। तो अंत कहाँ पे होता है, जो जहाँ से शुरुआत हुई, तो वो मूल स्रोत है, उसको हम भगवान बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये भगवान ने भगवद गीता में स्वयं कहा है कि अहम बीज प्रदपिता तासाम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रद। सभी जो योनिया है, हमने देखा था 84 लाख योनिया, सभी का बीज प्रदान करने वाले पिता कौन है, अहम मतलब भगवान बोल रहे मैं। तो ये एक परिभाषा है भगवान की। दूसरा, भगवान जो है परम नियंता, मतलब नियंता मतलब कंट्रोल करने वाला, जैसे सैटेलाइट को वो साइंटिस्ट कंट्रोल करते थे, ऐसे ये जो सभी जो कुदरती, हम जिसको बोलते हैं कुदरत बोलते हैं, या सूर्य सोलार सिस्टम जो है हमारा, उसके जो नियंता है वो भगवान है। और परम स्वामी मतलब जित स्वामी मतलब मालिक, आप जानते हैं। तो जितने स्वामी है उन स्वामियों के भी स्वामी, उनको परम स्वामी बोलते हैं, तो वो भगवान है। और परम भोक्ता, अगर स्वामी है या मालिक है, कोई फैक्ट्री है या कोई सेटअप है, तो उसका भोक्ता कौन होता है, उसका मालिक होता है ना। भोक्ता मतलब उसमें से जो भी प्रॉफिट मिलता है तो वो सब मालिक को जाता है। तो ये जो इतने सारे ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों का से जो कुछ मिलता है, वो जो भोक्ता, उसका भोक्ता, परम भोक्ता, भोक्ता बहुत सारे हैं, लेकिन परम भोक्ता, जैसे परम शब्द आता है तो आप समझ लेना कि जैसे परम नियंता लिखा है तो नियंत्रक बहुत सारे हैं, लेकिन परम नियंता मतलब जो नियंत्रक है उनको भी नियंत्रित करने वाले, वो परम नियंता। स्वामी है, स्वामी बहुत सारे हैं, लेकिन स्वामियों के भी स्वामी है वो परम स्वामी है। परम भोक्ता मतलब भोक्ता बहुत सारे है कि इंटरनेट कनेक्शन अस्टेबल बोल रहे आपका, चालू करो आता है। तो भोक्ता बहुत सारे हैं, लेकिन परम भोक्ता जो है उनको भगवान बोलते। तो वो कौन है हम देखेंगे। तो आगे यहाँ पे भगवान की परिभाषा दी है कि किसको भगवान कहे। तो ये विष्णु पुराण, जो 18 पुराण है, उसमें से जो सात्विक पुराण 6 थे उसमें से एक विष्णु पुराण है, उसके 6 स्कंद के 5वें अध्याय के 47 क्रमांक श्लोक में बताया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम भग इति गणा। जो संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण वैराग्य धारण करते हैं वह भगवान है। 6 चीजें हैं इसमें, बल, यश, धन, ज्ञान,
सौंदर्य, वैराग्य, ये छह चीजें जिसके अंदर है उसको हम भगवान बोल सकते हैं। और ये जो परिभाषा बनाई है ये व्यास ऋषि के पिताजी थे पराशर मुनि, उन्होंने ये व्याख्या बनाई है। तो जो छह ऐश्वर्य थे भगवान वह है जो सर्व वैभव, सुंदरता, शक्ति, ज्ञान, कीर्ति और त्याग। भगवान वो है जो जिनका ऐश्वर्य मतलब वैभव सब कुछ उनका है, सबसे सुंदर है, सबसे शक्तिमान है, सर्व ज्ञान मतलब त्रिकालज्ञ बोलते हैं, तीनों कालों का ज्ञान है और सबकी हाँ कीर्ति फैली हुई है, ऐसे भगवान को ये परिभाषा है। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट आप ब्रेक लीजिए और 10:15 को आप रीजॉइन कीजिए। तो 6:15 में हम हाँ पूरा स्क्रीन में आता है करें हाँ गुड। तो यहाँ पे जितने स्क्रीनशॉट ले लो, तो जितने भी अभी उपस्थित है दर्शक, स्वयं राजेश, नंदिनी, जानवी माता, धर्मिष्ठा बेन, अच्छा चंचल माता जी और आयुषी है, कल्पना माता जी है, दीप भी है, दामिनी माता जी यशस्वी होगी। तो ये सब आप सब 5 मिनट 6:15 को दोबारा उपस्थित हो जाइए, तो हम आगे भगवान की चर्चा करेंगे और आगे के जो विषय है उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।